बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि मैं देखने वाले जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला भी आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सुबह सुबह का टाइम था, मौसम बहुत प्यारा था, आसमान पे बादल आए हुए थे वाइट कलर के और नीला नीला आसमान। मैं कह रही हूँ बड़ा ही प्यारा ज़बरदस्त व्यू था और हर रोज़ की तरह चीलें उड़ती हुई बहुत ही प्यारे मंजर थे। तो मैंने ना वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। मैं क्या सुबह से स्टार्ट करते हैं और अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करेंगे। तो ऐ देखो व्यूवर्स हैं ना, कितने प्यारे बदल छाए हुए ने आसमान ते, बहुत ही प्यारे लग रहे सी। तो फिर मैं क्या चलो हूँ जाने किचन च ते बनाने अपनी लस्सी। पहले गई मैं फ्रिज वाल, तो फ्रिज चो मैं दही निकालिया, तो फिर मैं चली गई किचन च। तो मैं क्या चलो आज असी लस्सी का ही नाश्ता करांगे। तो ये मैं आ गई फिर किचन में, और किचन में आके ना तो बर्तन थे वॉश करने वाले, पहले मैंने बर्तन वॉश किए, उसके बाद फिर मैं क्या चलो बनाने हूँ ठंडी ठंडी यमी जी लस्सी। तो दही जो मैं जग च डालिया, तो उस तो बाद मैं चीनी इस शामिल की, तो जो इन मैं चलान लगी तो चलिया नहीं, क्योंकि एदा जरा फुल सी ना वो ना जाम हो गया से। असी रमज़ान से इन्हू इस्तेमाल किया, उस तो बाद असी नहीं इस्तेमाल किया। तो फिर दोबारा मैं दही चीनी निकालता बोल च, तो फिर मैं क्या चलो कोशिश करने हाथ ना लाने, बड़ा जाम होया सी, पर शुक्र है सही हो गया मेरे हिलान नाल। तो फिर दोबारा तो जागी च डाल के, तो फिर लस्सी नू ब्लेंड करता। मैं दाने की कोई जरूरत नहीं मैनू पई, तो लस्सी ज़रा मज़ेदार बनती है, अच्छी तरह ब्लेंड हो जाती है, दही ब्लेंड हो जाता, तो लस्सी बड़ी अच्छी बनती है। तो फिर जग जो फ्री हो गया, तो इन मैं जल्दी ना वॉश कर लिता, तो यह जी चीज़ा नालों नाल वॉश कर लेनिया चाहिए ताकि ख़राब ना हो, टुटन ना। तो फिर इतने मैदानी भी निकाल लेती मैं, तो मैंने कहा चलें अब इसको ठंडा कर लेते हैं, सुबह पीते हैं चाह, तो असी रोज़ाना ही पीने हैं, तो अज क्यों ना असी ठंडी ठंडी लस्सी पीए। तो इतने मैं बर्फ़ डाल दी, तो मैं क्या ज़्यादा ठंडी करके तो मज़ेदार जी बना के पीनी है। तो तुहानू मेरे गले तो लग ही रहा है, देखो मेरा गला भी बैठ गया। इतने फिर अज ठंडी लस्सी पी के ना, तो ठंडिया ठंडिया चीज़ा पी के, तो गला भी ख़राब होया है। तो तुहानू शेयर करांगे। सुबह सुबह फिर मैं बाज़ार गई, उतों मैं शॉपिंग भी करती, तो नाल मुदस्सी दे स्कूल भी गई। वो ज़रा शिकायत आ गई सी, उन्हें स्कूल बच्चे दे नाल उहदी ज़रा लड़ाई हो गई सी, तो पेपर भी उहदा नहीं लै रहे सी। फिर मैं गई, तो बच्चे जाहिर बच्चे जब एक जगह पे पढ़ते हैं ना, तो बच्चों की लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, तो उसके इसका तोड़ दिया था बच्चे ने। फिर मैं स्कूल भी गई, तो वापसी पे फिर मैं समझा के आई, और मैंने उन्हें कहा कहंदा से ये आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। तो फिर उन्होंने इसका पेपर लिया, और आते आते फिर मैं शॉपिंग भी कर आई, हांडी वगैरह भी लेके आई और साथ में कपड़े भी। और यहाँ पे मिट्टी के वहाँ आ गई थी धूप पिंजरे पे, तो मैंने इधर कर दिया। और ये मैं अब आ गई थी स्कूल से भी होकर और बाज़ार से भी शॉपिंग भी करके सुबह सुबह, और यहाँ पे लाई थी मैं फालसे का शरबत जो पी के अब मेरा गला बैठ गया। और आधे घंटे के बाद मैंने बनाई चाय, और उसके बाद मैंने लिए चावल, और चावलों को मैंने चुन के तो इनको मैंने भिगो दिया आधे घंटे के लिए। तो मैंने कहा चलो हूँ अंदर जाने आधा घंटा आराम करने, तो फिर किचन जाके ना इन्हों पकावे तो बनावे। तो बदल बहुत ही ज़्यादा आ गए से, तो बड़े ही प्यारा मंजर से, तो बार बार मेरी नज़र जो उपर जाती से, तो मैं कैमरे में भी उपर ही लै जाती से कि चलो अपने व्यूअर्स में मैं दिखावगी कितने प्यारे बादल। तो यहाँ पे आ गई मैं किचन में, तो किचन में आके तो फिर मैंने प्याज लिया एक अदद बस, क्योंकि एक प्याली चावल बना रही थी मैं, तो उसके लिए एक बहुत था दरमियाना प्याज, उसकी मैंने कटिंग की। तो उही साड़ियाँ ड्यूटियाँ हो जाएँ जो शुरू सुबह होंगी है, तो वो नाल ही साढ़े वर्क हो जाते हैं स्टार्ट। चलो भी लग जाओ ड्यूटियाँ, तो करो काम, उही काम रोज़ दे कर करके। तो मैं कह रही हाँ कभी तो दिन बहुत बिजी गुजरता है, तो कभी दिन अन्ना तुहानू काम नहीं होंदा, पर रूटीन च उही काम होंदे ने जे तुहानू हर रोज़ करने पैंदे ने। सुबह दा नाश्ता, दोपहर दा खाना, तो रात दा खाना। तो अज सुबह दे नाश्ते तो बाद मैं बनारसी दोपहर वास्ते चावल बड़े सिंपल तरीके नाल बड़े ईजी, तो प्याज कट करके तो वो मैं शामिल करता कढ़ाई च। पुलाव बनारसी मैं तो बहुत ही मज़ेदार बनया, बड़ा ही टेस्टी बनया। प्याज हो गया अच्छी तरह ब्राउन, तो सिर्फ इस नमक डाले, इस मैं
डालांगी गरम मसाला पिसा होया और कोई चीज़ नहीं डालनी है अंदर। अगर तेरे को बिरयानी मसाला है तो वो तुम शामिल कर सकते हो। मेरे को मौजूद नहीं सी, मैं बाजार भी गई तो मैं लेके नहीं आई, बस याद ही नहीं रहा, जेहन च नहीं रहा, तो मैं बस गर्म मसाले वाले बनाए, नमक वाले, बड़े मज़ेदार पुलाव बने जी, यखनी टाइप सी। तो इतने है मैं चार पाँच बोटियाँ डाल के ना, तो इन्हों की अच्छी तरह मैं इन्हों भुन दिता। भुनन तो बाद मैं पानी शामिल कर दिता, पानी शामिल करके तो मैं चलो यह गल जाए, तो उस तो बाद दोबारा तो पानी डाल के तो फिर चावल शामिल कर देवगी इन्हे अंदर। तो पकड़े से फिर क्या शाम के खाने साडे की बनेगा, साडे बनेगा आलू गोश्त। तो इतने आलू लेके आई सी नाल गोश्त ही, जरा वॉश करके मैं फ्रिज च रखता है चिकन का। तो आलू मैं अच्छी तरह वॉश किया, तो इन्हों की मिट्टी ला के, तो इन्हों फिर मैं रख दिता। मैं क्या चलो शाम को बनावांगे, तो दोपहर का पहले तैयार करने हैं खाना, बच्चों ने स्कूलों आके भी खाना है। तो साडे लिए चार प्लेटा बन गई सी, बहुत सी माशाल्लाह बड़ी बरकत सी। इत चावल मैं डाल दिते हुए सी, दोबारा तो पानी डाल के पकड़े सी, तो जो नक पानी रह जाए तो फिर इन्हों दम ला देना चाहिए। तो फिर इतने मैं दम लगाता, चम्मच बहुत घट फिर ए चलाई दे। तो इतने फिर मैं 100 CC की गोली रेडी की, तो फिर यह मैं पीती क्योंकि टाइम हो गया सी, मैं चलो पीनी अज बहुत ही 2-3 महीनों बाद जाके मैं इनू पीता। तो इतने मिठी तो मिठू बैठे हुए सी, तो मुदसर भी आ गया से स्कूलों पेपर दे के, देखो सोया से रोज़ाना आके सो जाता, किन्नी गहरी नींद सोया हुआ है। तो कपड़े वॉश किए से कल बड़े ज़्यादा ढेर सारे अंधेरी आई, तो हूँ इन्हों बस समेटा। तो मैं हूँ तेरे ना शॉपिंग शेयर करांगी, आज मैं बाजारों की खरीद के लैके आई। तो वीवर्स एक शर्ट पीस है जी, बहुत ही प्यारा दा प्रिंट सी, कलर सी, तो ब्राउन कलर की शलवार दे रहे सी मैनू अंकल, तो पर मैच नहीं हो रही थी, फर्क सुनी भी दे दा कलर का, पर इन्ना फर्क होए तो कोई नहीं, पर उन्होंने फिर बाद तो ब्लैक दी मैनू। तो यह सूट है सी मेरा बड़ा ही प्यारा, तो एक मिनट से दसना तो कि तुहानू सही तरह नज़र आया कि नहीं आया, तुहानू मेरा सूट कैसा लग्या। तो यह लिता सी मैं ब्लैक लाइनिंग वाला फातमा लिए, तो देखो यदा मैं कि सिलवानी वो लिए बनवानी हाँ, तो ब्लैक कलर का मांगड़ी सी, तो मैनू पसंद आ गया। तो यह फिर मैं लिता फातमा लिए, और यहाँ पे एक रेड था बड़ा ही प्यारा कमीज़ पीस था, और ये अरबी लॉन है बड़ी अच्छी, तो लॉन से बेहतर है, तो ये मुझे बड़ी पसंद आई ये भी शर्ट पीस, ये भी मैंने फातमा के लिए ले लिया। अब देखिए क्या सिलवाते हैं, क्या करवाते हैं इनका। फ़िलहाल लेके मैं आ गई एक सूट अपना और 2 सूट फातमा के, तो अब इनको फिर दोबारा से मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शर्ट ये कैसी लग रही है। देखो यदा कलर तो मैंने बहुत ही प्यारा लग रहा है, पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, वैसे सही नज़र आ रहा आ ही रहा है। तो इतने फिर सारे शॉपर च मैं डाल के, तो दोबारा तो इनू गिरा लगा के शॉपर मैं रख लिता। मैं कहा चलो हूँ इनू सिलवावे तो फिर पहनागे। फिर मैं चली गई किचन च, किचन में जब मैं आई तो वीवर्स मैं कह रही इन आला किस्म दी खुशबू आ, जो मैं दम उतारिया तो चावल बड़ी अच्छे बने, सारा होंदा कमाल दम दा। तो एक चम्मच नहीं चलाना चाहिए बहुत चावलों के, तो चावल बड़े अच्छे से पकाए ना, चावल से अद्धा घंटा भिओ के पकाए देने। तो मैं कह रही हाँ टोटा सी तो पड़ैन सी साबत चावल पकाए होंगे ने, कला कला चौल होया सी ते लंबा, तो बड़े ही टेस्टी मैं कह रही हाँ खड़े खड़े चावल बने से बड़े ही अच्छे, तो सारा कमाल जे दम दा। तो यह देखो किडे बेहतरीन तो किन्ने जबरदस्त साडा सिंपल जे पुलाव तैयार होया, सिर्फ प्याज नमक तो गर्म मसाला कोई भी, टमाटर हरिया मिर्चा कुछ नहीं मैं शामिल किया। तो मैं कह रही हाँ बहुत ही आला दा किस्म दा टेस्ट सी। तो हूँ इतने मैं तेरे को इजाज़त लाँगी, अपना बहुत ख्याल रखना, तो मैंने ना चीज़ दुआ च याद रखना, जिंदगी रही तो फिर होंगे रहनगियाँ मुलाकात। तो अल्लाह ताला भी तुहानू ते मैनू दुनिया जान दी खुशियां नाल माला मार करे, जान माधो तला दंग बरकतां दा फरमाए ते अपने रहमतां दे साए नीचे रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे मैंने कहा चलें आपको ना डिश आउट करके भी दिखाते हैं। प्लेट में निकाले मैंने चावल, फिर मैंने कहा ये तो बड़े थोड़े से लग रहे हैं, मैं कहा चलो प्लेट पाड़ के तुहानू दिखाने हैं। फिर मैंने ये देखें और डाल के तुहानू दिखा रही हैं यमी जिहा पुलाओ।